नमस्कार, इंडिया स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हरा झंडा, चांद सितारा वाला झंडा, पाकिस्तान समर्थित झंडा है, इस पर बैन होना चाहिए। उन्होंने सरकार से परामर्श मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से परामर्श मांगा है कि आखिरकार इसमें क्या होना चाहिए। कुछ इस्लाम धर्म के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या सही है और क्या गलत है, क्या ये वाकई में पाकिस्तान को समर्थन करने वाला झंडा है। सर आप बताइए, क्या जो रिजवान साहब ने कहा है वो कितना सत्य है? देखिए, हम किसी के सच और झूठ को नहीं, हम अपनी बात बता रहे हैं आपको। हरे झंडे जितने भी हैं उनमें चांद सितारे भी हैं, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुम्बद खजरा भी है, काबतुल्लाह शरीफ की तस्वीर भी है। और ये झंडे जब लगाए गए, हमने अपने नबी का यौम पैदाइश की खुशी मनाई, उस खुशी के झंडे अब तक लगे हुए। साहब का कहना है कि जो पैगंबर मोहम्मद थे वो काला और सफ़ेद झंडा लगा के चलते थे, हरा झंडा जो है इस्लाम का प्रतीक नहीं है, क्या कहेंगे आप इस पर? काला और सफ़ेद झंडा उन्होंने तारीख को देखा नहीं। सफ़ेद झंडे की ये पहचान थी कि अलमबरदार लेकर खड़ा होता था, जब सफ़ेद झंडा दिखा देते थे तो उसके बाद में एक से जंग शुरू होती थी, दूसरे से जंग की रुकावट हुआ करती थी, वो उस वक्त के लिए था। आज हम कोई किसी से जंग नहीं कर रहे हैं, हम अपने नबी का यौम पैदाइश की खुशी में झंडे लगाए हुए हैं, बाकी हमें किसी से ये मतलब नहीं है, पाकिस्तान का है, ये हिंदुस्तान का है। अच्छा, रिजवी का आरोप है जो सिया वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं कि ये हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने वाला झंडा है, इस पर रोक लगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी कही है कि भाई क्या करना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का तो ये कहना चाहिए, ये झंडा जो है मेरे सरकार दो आलम का, ये किसी का वो नहीं है। आप झंडा आप भी बना लो, चाहे चार तिरंगा लगा लो, लेकिन जो ये निशान जो है मेरे सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप वसीम रिजवी से सहमत हैं कि ये पाकिस्तान को समर्थन करने वाला झंडा है? नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है इससे, हमसे कोई मतलब, मेरे जो सरकार दो आलम है किताब, मतलब इससे हमसे कोई मतलब नहीं। जो मेरे सरकार के रोजे मुबारक पे लगा हुआ झंडा वो यहाँ भी लगा हुआ है, बस उसी से ताल्लुक है, और हमें ये झंडा पाकिस्तान या कोई से नहीं मतलब है। आप क्या कहेंगे झंडे को लेकर, जिस तरीके से वसीम रिजवी एक सिया वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट है उसके बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है सरकार से कि आप बताइए क्या करना चाहिए, क्या कहें, कितना जायज़ है? ये जायज़ नहीं है साहब, हमें ये जायज़ नहीं है। ये जो हमारे हुजूर की पहचान है, उस हुजूर की पहचान पर मैं चल रहा हूँ। ये जो हजरत मोहम्मद साहब है उनकी, उनका भी जो है झंडा जो है ब्लैक और वाइट रहा करता था, वाइट इसीलिए रहता था कि शांति का प्रतीक है, लेकिन हरा झंडा पाकिस्तान को समर्थन करने वाला, हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने वाला। हमारा तिरंगा झंडा इस सामने आता है, हम उसी को मानते हैं, और जो हमारी पहचान है इस्लामी वो हमारा हरा झंडा है, हुजूर की ये निशानी है बस। सिया वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट को क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके का वो काम कर रहे हैं, क्या कितना सही है ये चीज़ें? ये चीज़ें सिर्फ जहन के भड़काने से भड़कती हैं, इसमें कोई भड़काने वाली बात नहीं। मुहर्रम के महीने में वो खुद भी ख्याल करें, जब शिया लोग अलम उठाते हैं तो उसमें कौन सा झंडा लगाते हैं, वो भी तो एक झंडा ही है, क्या उसमें भड़काव होता है? आप क्या कहेंगे झंडे को लेकर? तो रिजवी साहब को साफ तौर पे संदेश है कि ये झंडा जो है एक धर्म का प्रतीक है, इस्लाम का प्रतीक। जी 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 हाँ जी। सिया वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि जो हरा झंडा है, चांद सितारों वाला झंडा है, उस पर रोक लगना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के जैसा झंडा है। आपकी क्या राय है? सर मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो इंडिया में रह के सारा चीज़ यहाँ कारोबार चल रहा है, दाल रोटी उनकी चल रही है, तो पाकिस्तान की झंडा लगाने का यहाँ क्या मतलब है? अगर पाकिस्तान की झंडा लगाना ही है तो अपना पाकिस्तान में जाएं और दाल रोटी चलाएं और खाएं। इंडिया में क्या कर रहे हैं ये लोग? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इंडिया में है, इंडिया में सारा इनका रोजी रोटी चल रहा है, तो इंडिया का झंडा लगना चाहिए और इंडिया का पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, और इंडिया का हमेशा नाम लेना चाहिए। तो आपको लगता है मुसलमान जो खाते यहाँ का है और गाते पाकिस्तान का है? तो पाकिस्तान के गा रहे हैं, जब ही तो झंडा दिखा रहे हैं ना इंडिया में रह के। अच्छा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इंडिया का रोटी खाते हो, इंडिया में रहते हो, तो इंडिया का गुण गाना चाहिए, पाकिस्तान का झंडा लगाने का क्या मतलब?
आपको कैसा लगता है? रोक लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए जी। क्यों ये झंडा जो है कैसा, आप रिजवी के बातों से कितने सहमत हो? सरकार को क्या कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट रोकना चाहिए उनको, सरकार को रोकना चाहिए। हाँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उससे सरकार से एडवाइजरी मांगी है भाई कि झंडे पे रोक लगनी चाहिए या क्या करना चाहिए? रोक लगना चाहिए। आप बताइए क्या करना चाहिए झंडे का? रोक लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी झंडा है, पाकिस्तान से मिलता हुआ झंडा है। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। रिजवी के साथ सहमत हो आप? बिल्कुल सहमत है, रोक लगना चाहिए। बिल्कुल। सरकार को क्या करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सलाह मांगी है। सरकार को भी इसका रोक लगाना चाहिए, बंद करना चाहिए, झंडे को खत्म करना चाहिए। आपका क्या विचार है? बंद करना चाहिए तो पाकिस्तान से मैच खाता, मैच खाता। भारत में रह के भारत का झंडा होना चाहिए, क्योंकि रिजवी ने कहा है कि हिंदुओं की भावनाएं भड़काने के लिए झंडे का यूज किया जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें? ये सही है वैसे, सच्चाई है तो इसमें तो भारत का झंडा होना चाहिए। केसरिया रंग का जो है अपना, जो भारत का झंडा वही होना चाहिए। इसको तो बिल्कुल तुरंत ही बंद करना चाहिए। क्या राय है? क्योंकि रिजवी ने कहा है कि ये जो है मुस्लिम लीग का झंडा है, मुस्लिम लीग पाकिस्तान चला गया तो ये झंडा पाकिस्तान ने अपना नेशनल झंडा बना लिया, लेकिन यहाँ के मुसलमान इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रेम है। देखो प्रेम है या नहीं है वो तो एक अलग बात है, बाकी ये है कि मेरा मत तो ये है कि धर्म का अगर कोई लिंक है इसके साथ तो ये झंडा लगना चाहिए। बाकी हिंदुस्तान का झंडा अलग है, धर्म का झंडा अलग है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। धर्म क्या देश से ऊपर हो जाएगा? नहीं, ऊपर नहीं होता, सबसे ऊपर देश होता है। लेकिन अगर ये भारत को झंडे से कोई नुकसान ही नहीं है तो फिर क्यों हम खाम खा पंगे लें? ये भी तो है। अच्छा आप बताइए, रिजवी ने कहा है कि ये झंडा पहले आज़ादी से पहले बेस्याएँ लगाया करती थी अपने छतों पे, जिससे कि लोगों को ये पता चले भाई ये बेस्या का घर है या हम यहाँ जाके आनंद ले सकते हैं, तो इस पर कितनी सहमति है आपकी? ये तो मेरे को मालूम नहीं इसके बारे में तो पूरा, तो मैं सहमति कर रहा हूँ। लेकिन इससे सहमत हो कि रोक लगना चाहिए? रोक लगना चाहिए, इससे सहमत है, रोक लगना चाहिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।